कपूर शर्मा के बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। ये कहा है कि ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता है, ये गलत है, और साथ ही ये भी कहा कि आपके एक बयान से पूरे देश में आग लग गई। जिक्र उदयपुर का भी हुआ। हमारे साथ खास मेहमान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव आज तक पर। ओवैसी साहब, कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, आपके शुरुआती कमेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, कहा है कि इसकी वजह से पूरे देश में आग लगाई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी जो पिटीशन थी कि सबको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, वो सभी लिया, नूपुर ने भी अपना पिटीशन वापस ले लिया है। शुरुआती टिप्पणी आपकी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर। मैं देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार खड़ा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और उनकी पार्टी दिल्ली पुलिस को या जहां जहां पुलिस अपना काम करना चाहती है उनको दबाव डाल रही है कि नूपुर शर्मा को के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। मैं आज तक के चैनल पर बैठकर देश की सबसे पॉपुलर एंकर के सामने ये कह रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, क्योंकि वो आपका प्रोग्राम देखते हैं, कि नूपुर शर्मा को ना बचाएं प्लीज। क्योंकि नूपुर शर्मा को आपने सस्पेंड जरूर किया मगर वो पनिशमेंट नहीं है, और नूपुर शर्मा NEC की मेंबर है। आप कल से हैदराबाद में NEC की बैठक कर रहे हैं भाजपा की, तो क्या उसमें उसको बुला रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर यूनियन गवर्नमेंट में आता है, तो इनको तो करना चाहिए ना, उनको कानून को अपना काम करने दीजिए। क्यों कानून को अपना काम करने से भाजपा रोक रही है? उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो वैसी साहब शांत हो जाएंगे। मैं नहीं शांत होऊंगा मैडम, मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज मैं ही नहीं हूं। अभी आपने शुरुआत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशंस को दोहराया है। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के ताल्लुक से भी जज साहब ने कहा है, अगर जुबैर 2018 में ट्वीट करता है और 2021 का ट्विटर हैंडल कंप्लेन करता है जो आज गायब हो चुका है, तो जुबैर गिरफ्तार हो जाएगा। और क्या नूपुर शर्मा आसमान से आई है क्या? तो गिरफ्तारी सही है जुबैर की? जुबैर की गिरफ्तारी अगर सही है तो सेंट्रल बोर्ड ने जो उस पिक्चर को पास किया था उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। वो पिक्चर बनाने वाले के तो फारूक शेख साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जन्नत में हैं। दूसरे जो एक्ट्रेसेस हैं, जो टेक्नीशियन है, सबको पकड़िए फिर आप। यही पकड़ते उनको आप, यही है ना। अब देखिए, आप इफ बट लगाने लगे जुबैर में, पकड़िए, क्योंकि वहां पर आरोप है हिंदू धर्म का अपमान हुआ, वहां पर आप इफ बट लगाने लगा लगे कि इसको भी पकड़िए, उसको भी पकड़िए। देखिए, पकड़ना है तो दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए, अगर धाराएं सही हैं तो, और अगर, सही है। अगर कानून की गलत तरफ देख, इफ बट मत लगाइए सर। नहीं, सुनिए, इफ बट नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पकड़िए पिक्चर के जितने बनाने वाले हैं, पकड़िए, चलिए, नो विदाउट इफ्स एंड बट्स पकड़िए, चलिए, मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली पुलिस पकड़ेगी? मतलब आप दिल्ली पुलिस पकड़ेगी जिसकी नावल को एक्ट्रेस उसमें पकड़ेगी, उसको क्यों तुमने देखिए, जब जुबैर गिरफ्तार हो सकते हैं तो नूपुर शर्मा क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, जुबैर को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि पहले नूपुर शर्मा ने कहा था कि जुबैर ने उस वीडियो को एडिट किया जो झूठ साबित हुआ, झूठ साबित हुआ, जुबैर के खिलाफ नूपुर शर्मा ने कहा। फिर बाद में जब उनकी झूठ सामने आ गई तो कहा कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुझे प्रोवोक किया गया। जब वो भी झूठ साबित हुआ तो उन्होंने इफ आई हैव सेड, अंग्रेजी का आई, कैपिटल आई इस्तेमाल किया, जिसको आज ऑनरेबल जज साहब ने भी आज के केस में जिक्र हुआ उसका। चलिए, अब आते हैं सर उस आग पर जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। नूपुर शर्मा ने जो कहा है वो इनडिफेंसिबल है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, जो गलत है कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, गिरफ्तारी बनती है गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ नूपुर शर्मा के एक बयान से पूरे देश में आग लग गई? क्या उन लोगों का इसमें योगदान नहीं है जिन्होंने मामले को इतना तूल दिया, जिन्होंने कहा कि हर हाल में ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, रिलीजियस? क्या एक डे लाइट बीहेडिंग होगी ओवैसी साहब, तभी हम सब जागेंगे कि हम धार्मिक कट्टरवाद को कैसे पनाह देते हैं जब हम इस तरह का गुस्सा और रोष दिखाते हैं? अरे, FIR हुआ है, कानून अपना काम करे। ये गली मोहल्लों चौराहों पर जाकर भाषण दे देकर जो लोग उकसा रहे हैं, क्या उन्होंने आग नहीं फैलाई? ये आप पूछ लीजिए ऑनरेबल जज साहब से, आपसे बेहतर कौन पूछ सकता है? आज तक के लॉयर को जाके पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से, इसी मुद्दे को उठा दीजिए, ऑनरेबल जज साहब जवाब दे देंगे। आप एक सांसद हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर तो हूं नहीं, ठीक है। अरे 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 मैडम, सांसद है, आपकी बात लोग सुनते हैं सर। आपने कहा, और एक बात, अच्छा
बहस तो हो सकती है ना। अरे मैं अच्छा अर्ज आप कहते हैं ना कि इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा आप ही क्या बयान है ना सर, इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। आप कोर्ट करते हैं दूसरे जज को और फिर कहते हैं इनफैलिबल नहीं है। आपने ही अयोध्या के बाद ट्वीट किया था ना सर, तो चर्चा कीजिए ना सर फिर। मैडम मैडम बिल्कुल चर्चा कर रहा हूं, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आने की दावत दी। ये मैंने नहीं कहा था, जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनका एक बाजाबता एक कोट है, किताब है, उसको मैंने कोट किया था। अब आप सुन लीजिए, कल गुड़गांव में बजरंग दल ने, आरएसएस के लोगों ने जुलूस निकाला और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो आपको भिजा दूंगा, देख लीजिए। गुड़गांव की पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती भाई, क्यों नहीं लेती गुड़गांव की पुलिस एक्शन? जहां तक उदयपुर का मामला है मैडम, उसी दिन आपने मुझे बुलाया था, मैंने कंडेम किया। ना सिर्फ मैंने बल्कि मुसलमानों की तमाम और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे जमीयत उलमा के दोनों ग्रुप हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहले हदीस, इन सब लोगों ने कंडेम किया है। हम कह रहे हैं कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, मगर ट्रेजेडी यह है कि नूपुर शर्मा को जान की धमकी दी गई, हम उसको भी कंडेम करते हैं, उनको कानून का प्रोटेक्शन मिल रहा है, मगर उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया उसको कानून को काम करने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, दिल्ली पुलिस इतनी मजबूर क्यों है आखिर? क्यों दिल्ली पुलिस डरती है नूपुर शर्मा से? उदयपुर के मामले पर आते हैं सर। साल 2013 5000 ज्यादा रुपए देकर यही दोनों मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने 2611 नंबर लिया था अपनी बाइक के लिए। 2611 यानी आतंकी हमले का दिन। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से इस तरह का कट्टरवाद कर रहे थे। अब सब कुछ कहा जाए कि नूपुर के बाद ही आईसिस, बोको हराम, अलकायदा, सब उसके बयान से ही जागा है, तो ये भी अतिशयोक्ति होगी या नहीं? क्या मैं सही सवाल नहीं पूछ रही हूं? देखिए, आईसिस ने जब नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो अपना स्टेटमेंट दिया था, तो सबसे पहले कंडेम करने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी था। हमने कहा कि आईसिस को जरूरत ही नहीं है, वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उन्होंने जो गाड़ी का नंबर लिया है, मैडम मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं उनकी इस गलत हरकत के खिलाफ, उन्होंने गंदगी की, एक हॉरिबल क्राइम किया है, मैं उसका कंडेम करता हूं। और उनको कोई अख्तियार नहीं है, किसी को भी अख्तियार नहीं है कि एक वीडियो बनाकर जिस तरह उन्हें कन्हैया लाल को मारा उसको कंडेम करते हैं। मगर उसी उदयपुर में चंद साल पहले एक अफरोजुल नामी वेस्ट बंगाल के लेबरर को एक शख्स ने कट्टे से मारकर उसका वीडियो बनाया, उसके जिस्म को जलाया, वो भी कंडेम करना चाहिए और कंडेमनेबल है। चाहे वो तबरेज का झारखंड में, या पीलू खान का, या अकबर का, ये सब कंडेमनेबल है। मैडम एक बात प्लीज समझिए आप लोग कि रेडिकलाइजेशन दोनों समुदाय में है, मगर रेडिकलाइजेशन एक ही तरफ देखा जाता है। रेडिकलाइजेशन को अगर कंट्रोल करना है तो रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम बनाइए, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करिए, सेलेक्टिव कानून का इस्तेमाल मत करिए। अगर जुबैर को 2018 के ट्वीट पर, एक ट्विटर हैंडल जो गायब होता है, अरेस्ट करते, नूपुर को क्यों नहीं अरेस्ट करते? कल गुड़गांव में एक जुलूस निकाला गया, प्रोसेशन निकाला गया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में अनाप शनाप बका गया, गुड़गांव की पुलिस कुछ नहीं करती, खड़ी भी है गुड़गांव की पुलिस वहां पर। कौन रेडिकलाइज हो रहा है बताइए मैडम? आप मुझे यह बात बताइए कि आज से चंद साल पहले उदयपुर में अफरोजुल एक बांग्लादेशी आपके वेस्ट बंगाल के एक बंगाली वर्कर को किसी ने वीडियो बनाकर, कट्टा बनाकर उसको कत्ल किया और उसके जिस्म को जलाया, वो वीडियो है, वो रेडिकलाइजेशन नहीं है, वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। पीलू खान को जयपुर की रोड पर मारा जा रहा है, वो टेररिस्ट अटैक नहीं है, है। जिस तरह रघुवर को मारा गया, जिस तरह तबरेज को मारा गया, ये रेडिकलाइज लोग कर रहे हैं, चाहे किसी समुदाय से हो, इनके रेडिकलाइजेशन को कैसे रोकेंगे आप? आप एक आंख तो बंद नहीं कर सकते ना कि मैं इसको देखूंगा उसको नहीं देखूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब अल्लाह ने हमको दोनों आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, सोचने और समझने की तमीज दी है, तो सबको देखिए प्लीज, इस सबको मानिए कि गलत है ये, इन सब एलिमेंट्स को रोकिए जो कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। पुलिस को अपना काम तो पक्षपात के बिना करना ही होगा और इस पर टिप्पणी भी कोर्ट ने की है। जब आप वोट बैंक के लिए खड़े होकर भाषण देते हुए ये कहते हैं कि मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा, हम इसे सहेंगे नहीं,
तो आपको एहसास होता है कि असदुद्दीन ओवैसी की बातों को जो मुस्लिम युवा वहां पर खड़े हैं आपके सामने वो कितनी गंभीरता से लेते हैं। अरे मैंने तो अलीगढ़ में देखा है सर, आपकी भाषण की जो लाइनें आपको भी याद नहीं होंगी वो उनको याद है। मैंने जाके देखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इस हद तक लोग आपकी बातों को मानते हैं, समझते हैं। फिर जब आप ये कहते हैं कि सहेगा नहीं, सहेगा नहीं तो क्या कर लेगा वो, क्यों सहेगा या नहीं सहेगा? पुलिस कार्रवाई करेगी ना सर। मैं फिर सुनिए, आप सुनिए सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी ने वॉयलेंस के लिए उकसाया नहीं? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने कभी किसी रिलीजन हिंदू भाइयों के खिलाफ वॉयलेंस के लिए उनके या रिलीजन के खिलाफ कहा? नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी की शुरुआत और तकरीर का खत्म होता है संविधान के ऊपर। नुपुर शर्मा के खिलाफ मैंने भिवंडी में स्पीच दी और कहा कि कानून को काम करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से अपील की। हैदराबाद में हमने हमारा प्रोटेस्ट हुआ, जलसा हुआ, हमने कहा कानून कोई हाथ में नहीं लेगा। जबलपुर में मेरी तकरीर हुई, नुपुर शर्मा के बारे में कहा कि वॉयलेंस रास्ता नहीं है, वॉयलेंस को हम कंडेम करते हैं। मेरा भोपाल में मीटिंग हुई, मैंने मुसलमान युवाओं से कहा कि वॉयलेंस को अपने हाथ में ना लो। आज भी कह रहा हूं कि कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नौजवानों का शुक्रगुजार हूं कि वो उनको मेरे भाषण के लाइंस याद हैं। मैं फिर से कह रहा हूं नौजवानों से कि मायूस मत हो, कानून को अपने हाथ में आप नहीं ले सकते, आपको संविधान के चार दीवारी में रहकर प्रोटेस्ट करने का अख्तियार हासिल है और प्रोटेस्ट करेंगे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का डिमांड करना एक जायज डिमांड है और नुपुर शर्मा के खिलाफ कानून को काम करने की इजाजत देश के प्रधानमंत्री को देनी चाहिए। वो एनईसी की मेंबर है तो क्या कल हैदराबाद में एनईसी पर नुपुर शर्मा को दावत दी गई? क्या उस पर डिस्कशन होगा? कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वॉयलेंस कोई रास्ता नहीं है, प्रोटेस्ट रास्ता है जो फंडामेंटल राइट है। अब उदयपुर की घटना पर जरा आते हैं सर, आपने इंडिया में कभी ऐसा सुना था कहीं पर बीहेडिंग, सर कलम करना, और जो वीडियो में भी कहा जा रहा है सर तन से जुदा, ये कहां से आया इंडिया में? मैडम, जब देश के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर बाबा साहिब अंबेडकर के बाद महात्मा गांधी सेकंड बड़े लीडर थे, उनको नाथूराम गोडसे ने गोली चला दी मैडम, हत्या कर दी, दिल्ली के सड़कों पर सिखों का जेनोसाइड हुआ मैडम, नेल्ली का आसाम में मैसेकर हुआ, एक बीजेपी के नेता दुनिया में नहीं है, उनका नाम ले लूंगा उनके भाषण के बाद। मुरादाबाद में पुलिस ने ईद के दिन 450 लोगों को गोली मार दी मैडम, मलियाना का मैसेकर हुआ, गुजरात का 2002 हुआ, मुंबई के रोडों पर हत्याएं हुई मैडम, ये सब तमाशे आप और हमने देखे हैं। मेरी आपसे गुजारिश यह है, देश के प्रधानमंत्री जो आपका चैनल बड़ी गंभीरता से देखते हैं, खुदा के लिए इन नौजवानों के लिए जिसको मिलेनियल जनरेशन कहते हैं, उनके मेमोरीज को यह मत रखिए प्लीज, आप कानून को अपना काम करने दीजिए। कौन रोक रहा है कानून को काम करने से? देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार रोक रही है, ये गलत हो रहा है। गोधरा में जब हुआ उसका जिक्र आप नहीं करते हैं। सवाल है कि इस तरह का कट्टरवाद जहां भी हो उसकी भत्सना होनी चाहिए, और यहां पर कन्हैयालाल वर्सेस अखलाक या किसी की भी पिचिंग नहीं होनी चाहिए, और ये उम्मीद कि इस तरह पर पुलिस एक समान काम करे। जो कोर्ट की आज टिप्पणी थी कि दिल्ली पुलिस सख्ती मतलब ने क्या किया नुपुर शर्मा के मामले में, उसको लेकर आपका दिल्ली पुलिस पर और मतलब उनकी कार्रवाई पर क्या कहना है? मैडम आपसे हम अपील कर रहे हैं, बल्कि कन्हैयालाल ने तो कंप्लेन दी थी, उसकी जान को खतरा है, राजस्थान की सरकार की गलती है, उन्होंने तो मुस्लिम अपीजमेंट है, बिल्कुल गलती उनकी है, उनको उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। मेरे तर्क को सामने रख रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट है। कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया सर एक पोस्ट पे, तो लेकिन धमकियां मिलने के बावजूद उस उन लड़कों को नहीं पकड़ा, यही मुस्लिम अपीजमेंट है। मैडम प्लीज, क्या आप कहना चाह रही हैं कि नुपुर शर्मा को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि अपर कास्ट हैं और हिंदू हैं? नुपुर शर्मा मैं नहीं कह रहा हूं, लेना देना, मैंने कहा था उदयपुर, मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप कह रही हैं, मैंने कहा उदयपुर पे चर्चा कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, देखिए अब देखिए मैडम, जब आप, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि कन्हैया लाल आज जिंदा रहते थे अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती, उसके जो धमकी आए उसको एक्ट करती। नुपुर शर्मा को भी जो धमकी दी जा रही है वो गलत है। मैडम आप कह रहे हैं कि
मुस्लिम तुष्टिकरण आप कह रहे हैं तो नुपुर शर्मा को क्या कहेंगे फिर आप बताइए। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना मैडम, आपकी जबान से निकल गया ये। बड़ी खबर इसी मामले में आ रही है। जी हां, नुपुर शर्मा मामले में आपको बता दें कि फिलहाल खबर ये आ रही है कि 18 जून को दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है। अब नुपुर को दोबारा नोटिस भेज सकती है दिल्ली पुलिस। क्या 41A, पहले 18 जून को नुपुर शर्मा का बयान दर्ज हो चुका है, FIR के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था बयान और उसके बाद दोबारा पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है दिल्ली पुलिस। आपने सुना, नुपुर शर्मा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर हमलावर है। वजह है सुप्रीम कोर्ट की फटकार। दरअसल आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने वालों को बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से तीन बड़े संदेश निकले हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को कोई राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, नुपुर की नफरती जुबान की वजह से देश का माहौल बिगड़ा। और तीसरा ये कि नुपुर शर्मा की सुरक्षा को खतरा नहीं बल्कि नुपुर शर्मा जैसे लोग देश के लिए खतरा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर पर क्या क्या टिप्पणियां की है, क्योंकि इस रिपोर्ट में देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिर्फ 27 मिनट सुनवाई के बाद 3 लाइन के ऑर्डर में नुपुर शर्मा की याचिका का निपटारा कर दिया। लेकिन सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के नफरती बयान के बचाव में पेश की गई तमाम दलीलों को अपनी टिप्पणी से बेदम कर दिया। टिप्पणी नंबर 1, उदयपुर हिंसा के लिए बयान जिम्मेदार है। टिप्पणी नंबर 2, नुपुर की टिप्पणी भावनाएं भड़काने वाली। टिप्पणी नंबर 3, नुपुर टीवी पर जाएं और देश से माफी मांगे। टिप्पणी नंबर 4, नुपुर ने माफी मांगने में भी देरी की। टिप्पणी नंबर 5, नुपुर जैसे लोग बयान देकर भड़काते हैं। टिप्पणी नंबर 6, देश में जो कुछ हो रहा उसके लिए नुपुर जिम्मेदार। टिप्पणी नंबर 7, नुपुर की टिप्पणी ने देश में आग लगा दी। टिप्पणी नंबर 8, नुपुर को खतरा नहीं वो खुद देश के लिए खतरा। टिप्पणी नंबर 9, नुपुर शर्मा पर सत्ता का गुरूर सवार। प्रवक्ता के रूप में की गई टिप्पणी नुपुर शर्मा पर भारी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कहा जाए। कोर्ट ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो अशोक चक्रधर की एक पुरानी कविता से बिल्कुल मिलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में गधे और घास दोनों को पूरी छूट है। घास को छूट है जितना चाहे उतना बढ़े, और गधे को छूट है कि लेटे लेटे या खड़े खड़े जैसे भी चाहे उस घास को चरे। कोर्ट ने यह कहा कि बोलने के पहले यह जरूर देखना चाहिए कि इसका असर क्या होगा, और आपकी एक टिप्पणी का असर इसने पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। गिरफ्तारी तो कई लोगों की हुई है लेकिन पुलिस ने आपको छुआ तक नहीं है। ये टिप्पणियां अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी आज नफरती जुबान के दम पर उन्माद फैलाने वाले लोगों के लिए सीधी चेतावनी है। दरअसल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा को बड़ा झटका लगा। कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाँ, अब गिरफ्तारी की तलवार जरूर नुपुर शर्मा पर लटक रही है। ऐसा क्यों ये भी समझिए। नुपुर शर्मा ने कई राज्यों में दर्ज FIR को दिल्ली ट्रांसफर करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को सीधा मैसेज देते हुए कहा, उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वो और ज्यादा शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा की हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उनका यह गुस्सा इसी वजह से था, वो उदयपुर में हुई दुर्घटनापूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है। नुपुर की शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई FIR के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी को ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाया है।
इधर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, उधर नुपुर शर्मा को लेकर विपक्ष का प्रहार शुरू हो गया। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसके मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? इट इज द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द होम मिनिस्टर, इट इज द बीजेपी एंड द आरएसएस दैट हैज क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट इन द कंट्री, दिस एनवायरनमेंट ऑफ एंगर, दिस एनवायरनमेंट ऑफ हेट्रेड। वो राष्ट्र से पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगें जो बयान उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा कायम करके कार्रवाई क्यों नहीं की? नुपुर शर्मा कान पकड़ के माफी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? ये तो भाजपा की बुनियाद है ना, इस देश भर में आग फैला के नफरतों को ये करके खून के रफ्तार बहा के ये सब जो करे हैं, ये तो बीजेपी की काम है ना। तो बीजेपी भी देश से माफी मांगे, माइनॉरिटी से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। नुपुर शर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जब उन्होंने यह कृत्य किया वो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी। 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आया तब जाकर उनको उन्होंने फ्रिंज बोला और निष्कासित किया, निलंबित किया। विपक्ष नुपुर शर्मा के बहाने मोदी सरकार पर हमलावर है। सवाल यही है कि देश एक संविधान और एक विधान है, तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से दिल्ली पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर भी सवाल उठ रहे हैं। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट तक आई तो थी राहत की उम्मीद में, इस आस में कि उनके सारे मुकदमे एक जगह ट्रांसफर हो जाएंगे और उन्हें जगह जगह पेशी से और घूमने से छूट मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट ने उन पर सवाल और टिप्पणियों की ऐसी बौछार की कि उन्हें लगा कि अब माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने जब माफी की पेशकश की तो कोर्ट ने कहा बहुत देर हो चुकी है। नुपुर शर्मा की हालत कुछ वैसी ही थी कि नमाज छुड़ाने आई थी और रोजे गले पड़ गए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और हवाई आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त मुंबई, जहां पर मुख्यमंत्री नए एकनाथ शिंदे से ऋतिक बात कर। बिल्कुल नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और मैं मंत्रिमंडल से बाहर रहकर उनको सरकार को सपोर्ट करूंगा। लेकिन हमारी सबकी मंशा थी कि वो हमारे साथ रहे, मंत्रिमंडल में शामिल होकर इस राज्य के प्रगति को आगे बढ़ाए, एक मजबूत सरकार इस राज्य को मिले। लगभग उनके वरिष्ठ जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका आदेश आया और देवेंद्र जी डीसीएम बन गए। आपको इस बारे में कब पता चला? जब मैं उनके सागर निवास स्थान पर था तभी उनको मैसेज आया उनके पार्टी के वरिष्ठों का, और उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद पर बिठाया है उनका आदेश मुझे अंतिम है, पालन करना आदेश का, ये मेरा कर्तव्य है। कहीं ना कहीं आज उद्धव जी भी मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर यही साकार करना था तो बीजेपी ने इसे पहले हमारे साथ हमारी बातें मान ली होती तो और राजी खुशी बहुत अच्छी तरीके से ये हो सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। हम लोगों ने कौन सा दूसरा रास्ता अपनाया है? हम लोगों ने वही रास्ता अपनाया है जो पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी, अलायंस था। हम लोग चुनाव लड़े अलायंस में और आज हमारा जो शिवसेना गठ है जो 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग हमारे साथ है, विधिमंडल में लेजिस्लेटर पार्टी शिवसेना है और निश्चित रूप से हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक मजबूत सरकार यहाँ पर बना रहे, हम लोगों ने ऐसा कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाया है।
लेकिन उद्धव जी तो कह रहे हैं कि शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं है, शिवसेना हमारी पार्टी है। अभी मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, योग्य समय पर जरूर कहूंगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि सारी बाधाएं दूर हो गई है, शिवसेना बनकर आप इस सरकार में शामिल हुए हैं और ये सरकार ऐसे ही आगे चलेगी अगले 2.5 साल तक? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि हमारे पास 50 विधायक है और भारतीय जनता पक्ष के पास लगभग 115 से 120 है। ये थंपिंग मेजोरिटी वाला सरकार जो 170 के ऊपर है और जिसके पास मेजोरिटी होती है वो सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करता है। एक मजबूत सरकार इस राज्य को मिला है जो आम जनता के दिल का सरकार है, उनके मन का सरकार है, नेचुरल अलायंस है। हम बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे, डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे। इस राज्य में जितने भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्टों को हम लोग निर्धारित समय पर पूरा करना चाहते और इस राज्य के हर एक घटक जो है उसको हम लोग न्याय देने वाले, उसकी ये कोशिश हमारी सरकार की है। आपने एनसीपी और कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार जो बनी है ये ईडी की सरकार है, यानी एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे जो विधायक है, जो 50 विधायक एक अलग भूमिका स्वीकारते हैं, अलग एजेंडा स्वीकारते हैं और सत्ता में से बाहर हो जाते हैं। लोग सत्ता छोड़ते नहीं, लेकिन हम लोगों ने सत्ता छोड़कर बाहर गए, सत्ता के बाहर चले गए। इसका कारण क्या है? इसका सभी लोगों ने आत्म परीक्षण करना चाहिए। जो 2.5 साल में उनको जो अनुभव आया है, वो ये अनुभव जो आया है, विधायक जो लोग हैं उनको एक्सपीरियंस आया है और इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता ढूंढा है उन्होंने। और निश्चित रूप से हर एक के चुनाव क्षेत्र में कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, वही चाहता है, वही उनकी मांग थी, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। सरकार में होने के बावजूद उनको ये नहीं संभव था करना, इसलिए वो हम लोग साथ हो गए और अभी हम सरकार बन गया है और निश्चित रूप से ये मजबूत सरकार इस राज्य की जनता को न्याय देगा। एक आरोप का तो उत्तर आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, अच्छी तरह आप उसको जवाब दे सकते हैं। आरोप ये हो रहा है कि धनशक्ति का उपयोग कर बीजेपी ने ये सरकार बनाई है, यह आरोप उन विधायकों पर है जिन्होंने आपका समर्थन दिया है? देखिए, इसमें ये सब फिजूल की बातें हैं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जो विधायक है 3-3, 4-4 लाख लोगों में से चुनाव जीते हुए है। ये विधायक अपने अपनी जगह पर बहुत मजबूत है, दबंग है, उनकी एक वहां पर चुनाव क्षेत्र में उनका एक स्थान है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है। हमारी कोशिश थी लगातार कि इसमें से कुछ रास्ता निकले, जो अन्याय हो रहा था उनके ऊपर चुनाव क्षेत्र में, उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे, उनके खिलाफ हमारे महाविकास आघाड़ी के सरकार के कुछ लोग काम कर रहे थे, आगे 2.5 साल के बाद चुनाव जीतना असंभव हुआ था उनको, और हम लोगों ने बार बार कोशिश की कि इसमें से कोई रास्ता निकले, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं मिली और इसीलिए यह रास्ता लोगों ने चुन लिया है। ये बहुत मजबूती से एकजुट होकर हमारे साथ रहे, कई कोशिशें उन्होंने की सामने से, कोर्ट का मामला कानूनी पेचीदा, आज भी कोर्ट की कोशिश की सुबह। हमारे पास मेजॉरिटी है, डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, इसके आगे इसके खिलाफ किसी कोई भी नहीं जा सकता है और हम लोग ये सब रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन ये सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। अब क्योंकि शिंदे शाही की सरकार बनी है, सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, क्या क्या काम एजेंडा आपके आंखों के सामने? शाही की सरकार नहीं है, ये आम जनता की सरकार है, यही मैं कहूंगा। जो जनता को चाहिए वही हम देंगे। ये हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट, इस राज्य के सर्व विभाग का विकास, यही हमारा एजेंडा है। किसानों को न्याय देना, आज स्वर्गीय वसंतराव नाईक जी की जयंती है, कृषि दिन,
कहते हैं आज के दिन को, और इस दिन में आपको मैं यही कहूंगा, किसानों को उनके लिए योजनाएं दो, उनको मजबूत करो, उनके खुद के पैर पे खड़ा करो, और यहाँ पर किसान आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र बन जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। क्या आगे भी उद्धव ठाकरे जी को साथ में लाने की, रिकंसिलिएशन करने की कोशिशें जारी रहेगी? अभी तो हम लोग जो हमारी सरकार है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग बना रहे, एक मजबूत सरकार राज्य को देंगे, फिर आगे जैसे जैसे होता है देखते जाइए, और आगे के जो भी निर्णय है, हमारे 50 विधायक जो हैं उनसे बातचीत करके ही अगला हर कदम हम लोग उठाएंगे। शिवसेना पार्टी के संविधान के हिसाब से शिवसेना पक्ष प्रमुख अभी उद्धव ठाकरे है, क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्ष प्रमुख बनने की कोशिश करेंगे? ऐसी हमारी कोई कोशिश नहीं है, इतना ही मैं इस वक्त कहूंगा। धन्यवाद। तो ये थे एकनाथ संभाजी शिंदे, राज्य के मुख्यमंत्री, और बेबाक तरीके से सभी सवालों के जवाब देते हुए, एक्सक्लूसिव आज तक से बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।